हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, बहुत यूनिक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि सभी के घर में सिलाई मशीन तो सबके घर होती है, बट सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि हम सिलाई मशीन खरीदे तो खरीदे कौन सी, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा कंपनी की आपको सिलाई मशीन मिल जाएंगी। तो हमारे पास जो फिलहाल सिलाई मशीन है, ये दो सिलाई मशीन है, ये आशा की है और ये है उषा की। ये जो सिलाई मशीन की मैं बात करूं, ये इस सिलाई मशीन को करीब 50-55 साल के करीब हो गए हैं। ये मम्मी की शादी में मिली थी और ये आज भी बिल्कुल नई मशीन को टक्कर देती है, जिसे कहते हैं टक्कर देना, आज भी टक्कर देती है उसे। तो क्यों ना दे, क्योंकि भाई पहले का आइटम की बात करें तो पहले आइटम बहुत बढ़िया हुआ करते थे और आज की डेट में वो प्रोडक्ट में जो बात होती है वो नहीं रही है। बेशक उषा कंपनी की बात अलग है, बट वो बात नहीं रही जो पहले वाले प्रोडक्ट्स के अंदर होती थी, क्योंकि जो उसमें माल लगता था बहुत हैवी था। अभी मैं इसको नीचे से ऊपर उठा के लेकर आया हूं, तो दोनों में मैंने ये कंपेयर किया कि इसके और इसमें वेट में बहुत फर्क है। इसका वेट बहुत भारी है और ये बहुत ईजिली उठ गई है, क्योंकि इसके अंदर जो भी पूरा ऑल पार्ट है, लोहे का पार्ट है, पूरा जेन्युइन तरीके से। इसमें क्या है कि कुछ पार्ट प्लास्टिक के इसके अंदर एड कर दिए गए हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी ए टू जेड चीजें होंगी वो कवर कराऊंगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, मैं डायरेक्ट अनबॉक्सिंग नहीं करता, मैं पहले इसको खुद यूज करता हूँ। यूज करने के बाद मुझे अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैंने पहले यूज किया है, अनबॉक्सिंग करने खुद मैंने करके इसको यूज करा। यूज करने के बाद में क्या रिस्पॉन्स रहा है इसका, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारी पुरानी थी, ये आशा की है ये सिलाई मशीन, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं और जो नई वाली है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये फुल लोहे की है ये, और नीचे क्या है कि टीन शेड में इसकी ये सपोर्ट में जिसके ऊपर इसे रखते हैं ताकि कुछ फट ना जाए नीचे से। तो फिलहाल इसमें क्या डैमेज हुआ है कि फिलहाल ये टीन शेड थी ये यहां से डैमेज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आशा कंपनी की है ये, तो आप एक बार आप क्लोज आके दिखा दो इसके अंदर। देखो भाई, ये आशा का नाम से ये सिलाई मशीन है। इसमें क्या है सबसे बेस्ट बात की, इसके अंदर जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि आपको कुछ सिलाई कैसी चाहिए, पतली चाहिए, मोटी चाहिए, वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। देखो, इससे ऊपर नीचे कर सकते हो आप इसे, जिधर भी आपको करना है। तो हमारा ये सेट है ऑलरेडी। इसमें क्या है कि यहाँ पर आप बाबिन लगा के आप इसको जैसे आप प्रेस करेंगे ऐसे करके और यहाँ से चलाएंगे तो धागा इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है इस तरीके से, कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हो, इधर से भी दिखा दो एक बार। इस तरीके से चलती है ये, पुरानी वाली जो थी, बहुत पुरानी, मोस्टली बहुत कम ही लोगों के घर होंगी क्योंकि लोगों ने अब नहीं खरीद ली है। जैसे हमने खरीद ली है, क्या है कि चल तो ये भी बढ़िया रही है, ऐसा नहीं है नहीं चल रही, बट क्या है कि बदलते जमाने के हिसाब से अब कुछ चीजें इसमें दिक्कत आने लगी है धीरे धीरे। जैसे कभी कभार क्या मोस्टली धागा तोड़ देती है, तो हमने क्या किया कि इसको चेक नहीं कराया। चेक कराते तो ठीक हो जाएगी, बट चेक नहीं करवाया, तो फिर मेरे मन में आया कि एक बार नई सिलाई मशीन ले लेनी चाहिए। क्या है कि एक बार वो मैं उसका रिव्यू भी दे दूंगा आपको, कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि इस टाइम की जो सिलाई मशीन है वो तो अब मिलेगी नहीं, क्योंकि अब ये वाली सिलाई मशीन नहीं आ रही, अब नई टाइप की सिलाई मशीन आ रही है। तो इसी वजह से मैंने नई सिलाई मशीन ली है, ताकि आपको मैं रिव्यू दे सकूं कि आज की सिलाई मशीन और पहले की सिलाई मशीन में क्या फर्क है। तो इसलिए मैंने दोनों को नियर बाय रखा है, तो मैं दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है, क्योंकि अब बस बता ही सकता हूं, क्योंकि ये कितनी बेस्ट हो जाएगी आप परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। बट इसकी और उसकी क्वालिटी में क्या फर्क है वो तो चीज हम डिस्कस कर ही सकते हैं। तो एक बार नजदीक आके इसका पूरा फुल ये मशीन दिखा दो, आगे से भी दिखा दो इसको, यहाँ से भी। ये देखो पूरा मैकेनिज्म है इसका, खुल जाता है यहाँ से, ये इस तरीके से मशीन चलती है पूरी, जब अंदर से तो ऐसे ही दिखता है चलता हुआ है। ये देखो थोड़ी आवाज भी करने लग गई है, तेल वगैरह की इसमें ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ेगी तो सब कुछ चीज हो जाएगी। ये देखिए, सबसे अच्छी चीज हमें ये लगती थी पहले की, ये एक कबूतर टाइप की चिड़िया सी बनी हुई है। देखो इससे क्या है कि अगर ऐसे हम खोलेंगे तो नहीं खुलेगी, तो हम जब छोटे थे तो इसी के साथ खेलते रहते थे बहुत ज्यादा। तो इसे हम जैसे इसे इधर कर देंगे तो ये मैकेनिज्म इसका खुल जाएगा। देख लो भाई अंदर से किस तरीके से है, एक बार जूम करके दिखा दो एक बार किस तरीके से चलती है।
मशीन की बात करूं तो मशीन कहीं से डैमेज नहीं है, सब बढ़िया तरीके से चल रही है। बट जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था आपको कि ये जो टीन शेड का जो ये है ये थोड़ा सा यहाँ से टूट चुका है ये, और ये देखो इसका ये भी थोड़ा सा यहाँ से टूट गया है ये। अभी भी आज भी हमने पूरी तरीके से सेफ रखी हुई है, क्योंकि केयर करने वाली बात है, हम सामानों की बहुत केयर रखते हैं। तो ये मशीन आज भी इतने टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग चल रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जैसा आप रखोगे प्रोडक्ट को वैसी वो लॉन्ग चलेगा। तो अब क्या करते हैं कि इस मशीन को अलग करते हैं, जो नई मशीन है उसको इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो नई वाली है मशीन उषा की, आप नाम कर सकते हैं उषा की, ये अब थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी में आने लगी है, क्योंकि बदलते वक्त के हिसाब से चीजें भी अपग्रेड हुई हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप इजीली इसको उठा सकते हैं, ये देखो इजीली उठा सकते हैं। बट वजन की बात करूं तो वेट उसी का ही सबसे इससे ज्यादा है, वेट मैंने तो तोला नहीं है इसका, बट मुझे पता है कि वेट उसका ज्यादा है, क्योंकि उठाने में पता चल जाता है वजन किसका ज्यादा है। तो ये जो इसकी प्रीमियम क्वालिटी है, इसके इधर से नजदीक आओ एक बार, इन्होंने इसमें देखो इतनी, आप ऐसे ऐसे खोलेंगे लॉक लगे हुए हैं इसके, एक तरीके से ये खुल गया तो ये ऐसे खुल गया, ये दूसरी साइड से भी आप इसको ऐसे करेंगे इधर के बैक उल्टी साइड से तो ये खुल जाएगा इसका मैकेनिज्म, ये पूरी तरीके से उठ जाएगा, खुल जाएगा। और ये देखो अंदर से इस तरीके से कुछ दिखी गई है, तो ये अंदर से पैक हमने यूज कर लिया है, इसमें धागा वागा सिलाई मशीन में देखो सब लगा हुआ है, सब बढ़िया तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक बार दिखा दो नजदीक से आगे, इसके साथ कुछ सामान आया है, क्या क्या सामान आया हम देख सकते हैं। देखो इसके अंदर कितनी अच्छी पैकिंग है इसकी, और ये क्या है, ये पूरी तरीके से कवर्ड है, और उसमें कवर्ड क्या था कि उसमें स्टील का था, इसमें प्लास्टिक का, सारी चीज प्लास्टिक की दे रखी है, उसके अंदर स्टील की थी और वो एल्युमिनियम शीट टाइप में थी। तो ये देखो ये इसको रोकने का, जैसे हमारी चिड़िया थी तो यहाँ पर ये लगा रखा है इन्होंने। तो अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। देखो उषा की ब्रांडिंग हो रखी है उषा लोगों की, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं सब मैं आपको एक बार कवर कराऊंगा इसके अंदर। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, यूजर मैनुअल है, जो भी है इसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे इसको यूज करना है, किस तरीके से ये लगेगी, सारे इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, कैसे कैसे मशीन सेट होगी, क्या क्या लगाना है। तो मुझे खैर पता है कैसे कैसे लगेगी, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट मैं इसको एक बार आपको वीडियो में कवर करा दूंगा इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हैं। इसके बाद में इसके अंदर मिला है हमें ये कुछ इसके वारंटी कार्ड वगैरह हैं इसके, इसमें कुछ ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसके अंदर क्या मिला है, क्या क्या लिखा है इसके अंदर। उसके बाद में ये कुछ ऐसी चीज मिली है हमें बॉक्स टाइप का, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए इसके अंदर क्या है, पेचकस है इस मशीन को खोलने के लिए, ये पेचकस है, ये भी उषा ही उषा नाम से ही है, इसमें उषा नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप उषा लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये अभी खोला नहीं है, इसके अंदर दो पेचकस हैं छोटे बड़े, इसके अंदर बाबिन भी दे रखी है इन्होंने, और तीन बाबिन दी हुई है इसके अंदर, एक दो तीन, तीन बाबिन है इसके अंदर, ठीक है। ये सुई वुई लगाने के लिए है, सुई कैसे लगेगी उस चीज़ के लिए है ये। और इसके अंदर ये क्या है देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर सुई भी मिली है इसके अंदर, हमें तीन चार सुई मिली है जो कि निकाल ली है, बाकी एक एरी और बाकी लगी हुई है, चार पांच सुई आती है, तीन आती हैं इसके अंदर, एक दो तीन, एक लगी हुई है एक एरी और एक इसके अंदर है यहाँ पर एरी एरी। तो तीन सुइयां अलग अलग नंबर की आती हैं, 17, 18, 19 जो भी इसके नंबर होते हैं, वो मैंने चेक नहीं किया क्या है ये, इसमें इजीली आप इससे लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि कुप्पी भी आती है तेल की, जो कि मशीन इजीली स्मूथ चले, जो कि इसमें डाली हुई है, देख सकते हैं कितनी स्मूथ चल रही है, तो उससे आप इजिली इसको चला सकते हैं। तो इसके अंदर मैं सुई की बात करूं तो 11, 14, 16, 18, 20 इसकी सुइयां आती हैं, जो कि इसके अंदर सारी नहीं देते ये, जो कि क्या है कि जैसे कि आप कोई नॉर्मल कपड़ा जैसे सूट वगैरह सिल रहे हो या शर्ट वगैरह सिल रहे हो, तो उसके अंदर क्या है कि आप नॉर्मल सुई जो होती है वो भी आप यूज कर सकते हो, जो कि कम नंबर की है। बट अगर आप कुछ हैवी चीज जैसे कोई ब्लैंकेट वगैरह या कुछ भारी चीजें रजाई वगैरह कुछ वैसे सिल रहे हो, तो उसके लिए वो सुई काम नहीं आएंगी, तो उसके लिए सुई बड़े नंबर की यूज आती है। तो ये कंपनी वाले सारी तो सुई नहीं देते हैं, बट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने दिया बताया हुआ है कि कौन से कपड़े को सिलने के लिए कौन सी सुई यूज होगी, तो इसलिए सबसे बेस्ट बात है इसके अंदर यूजर मैनुअल में सब लिखा हुआ है। आप एक बार नजदीक से आके दिखा दो एक बार इसको भी, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।
इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, जैसे कि सिलाई के अंदर स्टार्टिंग में क्या है कि ये चीज जो इसका चक्का है ये हार्ड चल रहा है, ये सुई है, ये सुई फंस रही है, तो सब इसमें क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत है, जैसे सुई ये आप घुमाते हो तो सुई में दिक्कत आती है, तो आप बाबिन में चेक करें कि धागा एक बार फोल्ड होके फंस जाता है, तो आप इजीली अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप इसको खोल के इसकी एक बार बाबिन को दोबारा से लगा देंगे तो ये सुई वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। और दूसरी दिक्कत ज्यादातर इसके अंदर क्या आती है कि जब आप इसको इसको इस चक्के को घुमाते हैं, इसे घुमाते हैं तो ये हार्ड चलता है, तो आप दिक्कत ना लें, हार्ड चलता है तो इसके साथ में ऑयलिंग दी हुई है, आप ऑयलिंग इसके यहाँ पर इसके सरफेस जो यहाँ पर ये किनारे हैं इस पे डालोगे तो इजीली ये राउंड होने लगेगी और बहुत बढ़िया चलेगी ये। तो मेरे को खैर सिलाई मशीन आती है चलानी, बट मैं ज्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मोस्टली सभी को सिलाई मशीन चलानी आती है। इश्यू ये नहीं है कि सिलाई मशीन कैसे चलाएं, मैंने इस वीडियो में कवर कराया है कि सिलाई मशीन कौन सी लें। मैंने बहुत कंपनी की सिलाई मशीन देखी है और बहुत कंपनी की मार्केट में मैंने सर्च करी थी, ऑनलाइन भी सर्च करी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे भी सर्च करी है, तो ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ये सिर्फ वीडियो मैं आपके तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि जो भी बेस्ट वीडियो हो वो आपके पास तक पहुंच सके। तो बहुत कंपनियां मैंने देखी, उसके बाद लास्ट मुझे उषा कंपनी की ये सिलाई मशीन मिली, क्योंकि उषा कंपनी काफी टाइम से चलती हुई आ रही है और रेंज के मामले में भी बहुत ही आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएगी। इसका प्राइस की बात करूं तो मैं प्राइस इसका अभी नहीं बताऊंगा, प्राइस इसका जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप जैसी वीडियो पूरी देखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो विद लिंक आप यूट्यूब वगैरह से गूगल वगैरह से जहां पे भी आप चेक करते हैं आप डायरेक्ट मैं लिंक डाल दूंगा वेबसाइट का, जो भी बेस्ट लिंक बेस्ट प्रोडक्ट होगा इसका वो वहां पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करनी है। तो दोनों में मैंने कंपेयर करा है और ये निष्कर्ष निकाला है लास्ट में कि जो दूसरी मशीन है और इसके अंदर वो हैवी है, ये उसके कंपेरिजन में थोड़ी सी डाउन है। तो ये जो मशीन है ये आज के हिसाब से है भाई, उसके हिसाब से तो कंपेयर मेरे हिसाब से तो करना कोई फायदा है ही नहीं, जब वो है नहीं, क्योंकि अब वो मिलेगी नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इस मशीन में बस यही है कि बहुत चीजें इसके अंदर अपग्रेड हो गई हैं, बॉडी अपग्रेड हो गई है, थोड़ा इजीली सब चीजें इजी हो गई हैं, मैकेनिज्म सारा वही है उषा कंपनी का जो भी और कंपनी के, इसके ऊपर भी कंपनी बहुत आती है 10,000-15,000 ऑटोमेटिक वाली भी आती है जो सिर्फ नीचे से पैर जैसे सिलाई मशीन करते हैं पैर से ऐसे ऐसे करते हैं तो मशीन चलती है, ज्यादा महंगी मशीन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरी अगर आप मानो तो आप उषा मशीन को एक बार यूज करके देखना, इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। तो अभी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, शेयर करना उन लोगों तक जो मशीन के बारे में जानना चाहते हैं और बेस्ट मशीन लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।